जमीयते उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़ा बयान दिया है। अरशद मदनी ने कहा कि अपने बच्चों को और बच्चियों को मजहब जरूर सिखलाएं और जैसे हालात चल रहे हैं मुस्लिमों को इनसे सबक लेना चाहिए। आपको बता दें, यूपी के हापुड़ में जमायते उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी तस्लीमा यासीन गर्ल्स इंटर कॉलेज के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए थे, जहां पर मंच पर बैठे हुए अरशद मदनी ने कहा कि देश में जैसे हालात चल रहे हैं मुसलमानों को उससे सबक लेना चाहिए और अपनी बच्चियों के लिए अलग स्कूल बनाने चाहिए। जमीयते उलमा हिंद ने मुल्क में मौजूदा हालात के अंदर और मखलूम तालीम के सिलसिले में जो सूरत हालात सामने आ रहे हैं, जमीयते उलमा हिंद ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है। पूरे मुल्क के अंदर जो दौलतमंद लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हो, हम उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि अपनी बच्चियों के लिए मिलीजुली लड़कों के साथ तालीम से हटकर बच्चियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग स्कूल बनाएं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात के अंदर तहरीक का होना ज़रूरी है, वरना झगड़े, मारपीट और इस तरह के बेशुमार मसाइल नासमझ बच्चियों की आज़ादी की बुनियाद पर, चाहे वो मुसलमान हो वो चाहे हिंदू हो, जो मसाइल खड़े हो रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। हर मुसलमान और हिंदू के दिल की ये आवाज़ होनी है कि आज हमारे घरों के अंदर मजहब ज़िंदा है तो हमारी मौत के बाद भी मजहब हमारे घरों से ना निकल पाए। आगे मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आपको हर जगह स्कूल बनाने चाहिए, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग, लेकिन मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ उन स्कूलों के अंदर आप अपने बच्चों को और बच्चियों को मजहब ज़रूर सिखलाएं थोड़ा बहुत, ताकि उनके अंदर यह एहसास हो कि हम इस दुनिया में जो कुछ करेंगे मौत के बाद हमें उसका हिसाब देना है। आपको बता दें, हापुड़ के रामपुर रोड पर एक प्राइवेट संस्था द्वारा इंटर तक कॉलेज खुलने जा रहा है जिसमें लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। काम करना है तो आपको बच्चियों के लिए स्कूल बनाना चाहिए, यहाँ मखलूक तालीम न हो। मुल्क के हालात जिधर चल रहे हैं मुसलमानों को उससे सबक लेना चाहिए और अपनी बच्चियों के लिए अलग स्कूल बनाने चाहिए। हाजी साहब ने उस वक्त भी मेरी उस बात की तायीद फरमाई थी। मुझे इस बात पर बड़ी खुशी है कि आज कुछ दिनों के बाद मैं इस प्रोग्राम में शरीक हूँ जहाँ हाजी साहब आज गोया के उस इदारे की बुनियाद रख रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने मुल्क के मौजूदा हालात के अंदर और मखलूत तालीम के सिलसिले में जो सूरत हाल सामने आ रही है, जमीयत उलमाए हिंद ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि हम पूरे मुल्क के अंदर जो दौलतमंद लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, हम उनसे ये कहें कि वो अपनी बच्चियों के लिए मिली जुली लड़कों के साथ तालीम से हटकर बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग मुस्तकिल दरसगाहें और स्कूल बनाएं। हमारी ये तहरीक है और हम ये समझ रहे हैं कि मुल्क के मौजूदा हालात के अंदर इस तहरीक का होना ज़रूरी है, वरना झगड़े, मारपीट, कत्ल व गारतगरी और इस तरह के बेशुमार मसाइल ना समझ बच्चियों की आज़ादी की बुनियाद पर, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो मसाइल खड़े होते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। ये ज़रूरी है, हर मुसलमान और हिंदू के दिल की यह आवाज़ होती है कि आज हमारी ज़िंदगी में हमारे घरों के अंदर मजहब ज़िंदा है तो हमारी मौत के बाद भी मजहब हमारे घरों से न निकल पाए। हमारी आने वाली नस्लें मजहबी होते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें
और मुसलमान का। हापुड़ से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।